थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रेसिडेंट। आप में से बहुत से लोग शायद मुझे जानते होंगे, कुछ भाई नहीं भी जानते होंगे। मेरा नाम मियां दीक है जी। राइट नाउ आई एम दी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ योर चैंबर, आर चैंबर। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को यहाँ देखकर अपने साथ। सब कुछ लोग नए भी हैं हमारे साथ। मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जी, जब हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं तो हम सब लोग अपनी अपनी जगह अपना अपना कारोबार बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, डेवलप भी करते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम चैम्बर में आते हैं तो हमें एक ताकत मिलती है जो चैम्बर के 4000 मेंबर की ताकत है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने आके हमें मौका दिया, हमने जो प्रोसेस हो सका जितने अच्छे तरीके से वो किया, तो शायद उसमें भी उन 4000 मेंबर की ताकत शामिल थी। सेकेंडली, डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम सब लोग जब से पैदा होते हैं अपने आप को, जब कारोबार शुरू करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हम में से बहुत से भाइयों का ये जो चाइना का दौरा है ये भी डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होगा। हम सब आप लोगों की तरक्की के लिए दुआगो हैं, कोशिश करेंगे कि जो कुछ करते रहे हैं वो भी किया, हमने आइंदा भी आपके लिए बेहतरी के लिए जो कुछ करें। और जैसे मेरे भाई ने यहाँ बोला, उस्मान साहब ने, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए जी, हमारे पास यहाँ हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। बिलखसूस बकाउल्ला साहब माशाल्लाह चाइना के काम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और भी कई भाई हैं, खालिद साहब ऑलरेडी कई दफ़ा गए हैं, मैं भी इनके साथ गया हूँ। तो आप यहाँ पर बैठ के जिस तरह की आपको मदद चाहिए, आपको एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे जो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दूसरी, एक आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वापस आने पे जो अच्छी बातें हैं वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि दीज आर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो जो अच्छे एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ हैं, स्पेशली कारोबारी हजरात को, वो हमें आपस में एक्सचेंज करने चाहिए। आपका नसीब आपके साथ है, मेरा नसीब मेरे साथ है। वी बीइंग अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भाई इस चीज पे यकीन करते हैं। आज का दौर वो दौर नहीं है कि जो मैं कारोबार कर रहा हूँ तो मुझे आप देख के वही कारोबार करके आप भी उतनी तरक्की हासिल कर लें जो हमसे पहले किसी ने की। तो हो सकता है, ऐसा जरूर है कि आप कोई और कारोबार करें उसमें वो सोच से भी ज्यादा तरक्की हासिल करें। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि आने के बाद जो अच्छे एक्सपीरियंसेस है उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ अगर आप समझते हैं कि हमारा ये जो प्रोसेस हुआ, या आप समझते हैं वापस आने के बाद हमें चंद चीजों में कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए, कुछ चीजों में इजाफा करना चाहिए, तो हम खुशी से आपके उन कमेंट्स को भी साथ लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।